जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड होता है एशेज, ठीक वैसे आईपीएल में मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल अब भाई बंदा एक बार को खुद का रिजल्ट देखे ना देखे, पर मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके पे सबकी नजर होती है। इस बार का आईपीएल कितना इंटरेस्टिंग है ये बात आप पॉइंट टेबल को देख के समझ सकते हो। जो टीम लास्ट में उसके भी डबल डिजिट्स में पॉइंट है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब नंबर फर्स्ट की टीम और लास्ट नंबर की टीम के बीच का डिफरेंस केवल 7 पॉइंट्स का है। हालांकि स्टार्टिंग में लगा था कि आरसीबी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, बट एंड में जाते जाते सारी टीमों ने अपने जलवे दिखा दिए। मुंबई इंडियंस और सीएसके के कुछ सपोर्टर्स तो अलग ही ज्योतिष बने फिर रहे हैं, मतलब इनके अलग ही जादू टोने चल रहे हैं। भाई बोलते हैं मुंबई 2013 में जीता, 15 में जीता, 17 में जीता, तो 19 में भी हम ही जीतेंगे। चूतिया लिखा गया भाई, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी 2013 में, 15 में, 17 में, पर 19 में तो पूरा वीराना छा गया भाई, दूर दूर तक कोई नहीं। भाई सीएसके के सपोर्टर्स बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव ईयर्स जीतते हैं, 2010, 2011, 2018, 2019 तो हम ही जीतेंगे ना ब्रो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं भाई आईपीएल स्टार्ट ही तो इसलिए होते हैं, तुम्हारे टोटके मेंटेन रहना चाहिए, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए। भाई सीएसके मुंबई के मैच में जितना मजा आता है उतना ही मैच ये फनी भी हो जाता है, क्योंकि अगर सीएसके जीत जाता है तो मुंबई इंडियंस के फैन बोलते हैं अबे 2 साल से बाहर हो तब भी तुमको अकल ना आए, फिक्स करते रहते हो मैच को। और अगर मुंबई इंडियंस जीत जाए तो भाई सीएसके वाले बोलते हैं कि अबे अंबानी जी यार ये पूरा अंबानी जी का गेम है पूरा, वो फिक्स फिक्स। और ये फिक्सिंग वाला थंबनेल भी मैंने इसीलिए लगाया भाई क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आज का मैच कौन जीतेगा, और सारे कमेंट एक जैसे भाई फिक्सिंग 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 फिक्सिंग। अब भाई फिक्सिंग भी ऐसे थोड़ी ना होती है यार कि एक एक बॉल फिक्स हो, मतलब कहते एकता कपूर का सीरियल चल रहा है क्या? फिक्स करके नो बॉल डालने में भी एक एक प्लेयर की बीप सूख जाती है, पर कुछ लोग तो ऐसे बिहेव करेंगे। अबे सब फिक्स है यार, सब फिक्स है, मतलब रहना क्या छोड़ रहा है रहना, मतलब पूरा अंबानी का खेल है भाई, जीता मुंबई इंडियन को जीता क्या कुछ भी, मतलब आईपीएल के फाइनल भी फिक्स है। क्लियर फिक्सिंग है यार, तुम लोग साले 2 साल से बाहर हो आईपीएल से तब भी नहीं सुधरे यार। कुछ भी हारने लगे तो फिक्स, अभी तो तू ही बोल रहा था फिक्स है जब रहना कैच छोड़ा। वो तो ऐसे ही बोल दिया, रहना भी तो इंसान है, छूट गया कैच। क्या बोला था, पूरा फिक्स, पूरा खेल अंबानी का है भाई, जीत गई मुंबई इंडियंस। धोनी के रनआउट पे इतना बड़ा बवाल क्यों बन गया ये बात मेरे को समझ में नहीं है। जो लोग इस मेम है मामा के चक्कर में पड़ गए जिसमें गलत एंगल से दिखा के पूछ रखा है आउट और नॉट आउट, अबे इस एंगल से देखो बे। पर यार धोनी को एक बात के लिए मानना पड़ेगा, जब दीपक चार के तीसरे ओवर में डिकॉक ने सारे धागे खोल दिए थे तब भी धोनी एक और बार भरोसा करके उसको लाए, और उसी ओवर में शर्मा जी का विकेट भी ले गए दीपक चार। कोई और कैप्टन होता तो शायद से बॉलर को चेंज कर देता, मतलब फिर क्या था, धोनी के डिसीजन को देख के सबने यही बोला तो हमें आप पे भरोसा, सही था सही था। दूसरी बड़ी चीज, शार्दुल ठाकुर ने एक ओवर में दिए थे 13 रन लास्ट मैच में, फिर भी धोनी ने टीम चेंज नहीं करी और इस बार शार्दुल ठाकुर ले गए 2 विकेट, क्योंकि हमें आप पे भरोसा, सही था सही था। क्विंटन डिकॉक को आउट करने के बाद शार्दुल ठाकुर ने कुछ इस तरह का सेंड ऑफ दिया जिसपे कि रोहित शर्मा ने एम्पायर को जाके बोला इनको समझा लीजिए थोड़ा औकात में रहे वरना इतना मारेंगे कि लगेगा कि ये स्पोर्ट क्रिकेट चल रहा है। और हमारे शार्दुल ठाकुर जी को बोला चलो शार्दुल ठाकुर का तो माना हिट ऑफ द मोमेंट में इतना चलता है, पर उसके बाद आया पोलार्ड, ये वाली बॉल डली जिसको कि एम्पायर ने वाइड नहीं दी, और वाइड थी भी नहीं शायद क्योंकि पोलार्ड क्रीज से थोड़ा सा बाहर आ चुका था, मतलब जैसे डीआरएस में एम्पायर्स कॉल होता है वैसे ही कुछ क्लोज डिसीजन था। उसके बाद तो भैया पोलार्ड में माता ही आ गई, मतलब कहीं बंदा बैट उछाल रहा है तो कहीं बंदा क्रीज के बाहर आके खड़ा हो जा रहा है, एम्पायर्स को आके समझाना पड़ा कि भैया तुम्हारा गली क्रिकेट ना चल रहा है, ये विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। बिल्कुल ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट याद दिला गया पोलार्ड, पर ये हमारे पोलार्ड भैया के लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसे कांड बहुत कर चुके हैं पहले भी। भाई बुमराह के लिए तो सारे वर्ड्स ही खत्म हो गए, सारे मीम्स खत्म हो गए, सारे वीडियोस खत्म हो गए, मतलब इतना अच्छा बॉलर ना कभी था ना कभी मिलने वाला यार। भाई ऐसा कौन सा बॉलर है जो कि ओपनर बैट्समैन सेट बैट्समैन मतलब जो कि 40 से 50 बॉले खेल चुका है उसको बैटिंग करने बुला दे रहा है यार, मतलब बुमराह के सामने ऐसी बैटिंग कर रहे जैसे टैलेंटर आ गए हो बैटिंग करने। पर यार कुछ भी बोलो आईपीएल फाइनल में मजा बड़ा आया, जैसा फाइनल हम लोगों को चाहिए था ठीक वैसा ही फाइनल हुआ, मतलब 10 बार गेम पलटा होगा, कभी सीएसके कभी मुंबई, बॉल वाइड है या नहीं, कैच छूटे इतने सारे, शार्दुल ठाकुर को भेज देना भज्जी और दीपक चार के होते, वैसी बहुत सारी चीजें हुई भाई। पर चलो आईपीएल कप कहीं पे भी गया, मुंबई गया, चेन्नई गया, आईपीएल को हम लोग सब मिस तो करेंगे, बट यार अब वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप चाहिए यार।
तो आगे जाके बहुत मजा आने वाला है, तब तक आप भी मजे करो, तबाही मचाओ, सपने पूरे करो और इस भाई को तो भूलना ही नहीं है यार।